के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई गई 56वीं पुण्यतिथि, जगह जगह हुए विविध आयोजन। 3 दिवसीय मार्कंडे महादेव महोत्सव का शुभारंभ, हंसराज रघुवंशी के भक्ति रस में सराबोर हुए श्रोता। त्रिदेव मंदिर का मनाया गया स्थापना दिवस, देव विग्रहों की सजी भव्य झांकी, श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूर। और एस अतिबल छायाचित्र प्रदर्शनी का दशाश्वमेध घाट पर हुआ आयोजन, शहर के फोटो जर्नलिस्ट ने की सहभागिता। और अब खबरें विस्तार से। दीनदयाल उपाध्याय जी की 56वीं पुण्यतिथि पर गदौलिया स्थित गीता मंदिर के पास पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। रविवार को गदौलिया स्थित गीता मंदिर के पास पिछड़ा मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 56वीं पुण्यतिथि पर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। इस अवसर पर अनूप जायसवाल ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर देश को आगे ले जाने का मार्ग दिखाया, जो विकसित भारत के निर्माण में भी प्रेरणा स्रोत बना है। प्रखर राष्ट्रवादी और वंचितों के अधिकारों के रचना पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर कोटिशः वंदन। दीनदयाल जी का जीवन राष्ट्र सेवा व समर्पण का विराट प्रतीक है। उनका मानना था कि कोई भी देश अपनी संस्कृति के मूल विचारों को भुलाकर प्रगति नहीं कर सकता। पुष्पांजलि अर्पित करने वालों में प्रमुख रूप से ओम प्रकाश यादव, बाबू सिद्धनाथ गौड़, अलगू मनीष चौरसिया, सोमनाथ यादव, पीयूष भट्टाचार्य, मनीष चौरसिया, आदित्य गोयनका, धर्मेंद्र गुप्ता, सुनील कनौजिया, आलोक पूजा आदि उपस्थित थे। अपने श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में तथा भारतीय जनता पार्टी के एक नीति निर्धारण जिस पर वो चलती है उसको बनाने का उन्होंने काम किया था, हम आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर नमन करते हैं, वंदन करते हैं और तथा उनके बनाए मार्ग पर चलने का हम सब प्रयास करेंगे। पूर्व जिला जज की भावभीनी विदाई में काशी वासियों सहित अनेक न्यायाधीश भावुक हुए। पूर्व जिला जज बंगला खाली कर सायं 4 बजे नोएडा के लिए निकल रहे थे तो प्रबोधनी फाउंडेशन सहित दर्जनों सामाजिक संगठनों के सामाजिक प्रतिनिधियों सहित लगभग वाराणसी जनपद के सभी न्यायाधीश एवं कर्मचारी भावुक होकर भावभीनी विदाई, माल्यार्पण, पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र सहित स्मृति चिन्ह देकर उनको विदा किए। अजय कृष्ण विश्वेश विदाई के समय भावपूर्ण स्वागत से गदगद होकर भावुक हो गए और कहे कि काशी की संस्कृति, काशी वासियों सहित अधिवक्ताओं का निराला एवं निश्चल स्वभाव मेरा दिल जीत लिया है, जिससे काशी से मेरा आत्मीय लगाव हो गया है। काशी के लोगों से मिला प्यार एवं सम्मान मुझे काशी के प्रति और जिम्मेदार बना दिया। यहाँ के लोगों के उच्च और आदर्शवान विचार को मैं आत्मसात कर अपने आगे के जीवन में उसका उपयोग करूँगा। काशी से मैं भले दूर जा रहा हूँ लेकिन काशी से भावनात्मक और दिली लगाव आजीवन बना रहेगा। पूर्व जिला जज को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र से सम्मानित करते हुए प्रबोधिनी फाउंडेशन के महासचिव विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि काशी के कणकण में महादेव विराजते हैं तो काशी के जन जन के हृदय में अपने ऐतिहासिक कार्य एवं निर्णय से अजय कृष्ण विश्वेश जी अमिट जगह बना लिए हैं। जिला जज को भावभीनी विदाई देने में जनपद के न्यायाधीश एवं न्यायालय के कर्मचारियों सहित मुख्य रूप से स्वामी सहजानंद शोध संस्थान के संयोजक नीरज सिंह, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के मुख्य प्रबंधक मृत्युंजय महादेव सिंह, प्रबुद्धजन काशी के समीर सिंह, विशाल एवं डॉक्टर संजय सिंह गौतम, अजीत यादव, आइकन डॉक्टर विकास राय, काशी विद्यापीठ, कृष्णमूर्ति सिंह, गंगा युवा भक्त समाज सहित इत्यादि लोग शामिल थे। काशी में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा। लगभग 2 वर्ष 5 माह मैं यहाँ पर रहा। मैंने अपने शासकीय कर्तव्यों को प्रॉपर उचित प्रकार से उसका निर्वहन किया और मुझे बहुत संतुष्टि है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत अच्छा कार्यकाल यहाँ पे रहा और यहाँ ये बहुत अच्छा अनूठा शहर है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि एक मिनी इंडिया है काशी। तो काशी में रहने का जो सौभाग्य है हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता है। बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, मुझे बहुत संतुष्टि और बहुत खुशी है। हमारे जो न्यायिक अधिकारी हैं उनसे बहुत स्नेह और बहुत प्रेम मिला और बहुत सम्मान मिला। इसी प्रकार हमारे यहाँ के अधिवक्ताओं से, हमारे यहाँ के कर्मचारियों से बड़ा स्नेह और प्रेम मिला और यहाँ की जो पोस्टिंग थी मेरे लिए एक यादगार पोस्टिंग रही है और मैं बहुत संतुष्ट हूँ यहाँ के अपने कार्य से। किसी को कहा जाए कि काशी के कणकण में भगवान शिव हैं तो काशी के जन जन में ए के विश्वेश जी का, काशी के जन जन के हृदय में उनका स्थान हो गया है
और इसलिए आज निश्चित तौर पे वो बनारस छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन बनारस की जनता उनको छोड़ना नहीं चाहती है और बनारस के लोग हमेशा उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे और वो जब तक रहेंगे तब तक उनसे हम सभी लोगों का संबंध रहेगा। और वो काम ऐसा करके गए हैं, फैसला ऐसा दे करके गए हैं कि वो शरीर मतलब नष्ट हो जाएगी, लेकिन उनका जो आदेश है, जो उनका एक आदेश दे करके और जिस ढंग से वो मानव के हृदय पे पटल पे स्थापित हुए हैं, वो उनका आदेश नश्वर रहेगा, वो मतलब नाश नहीं हो सकता है, वो नश्वर रहेगा। जिस तरह से काशी नश्वर है, उसी तरह से ये आदेश भी उनका नश्वर के रूप में काम करेगा। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था की मासिक बैठक संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश पेंशनर्स कल्याण संस्था शाखा वाराणसी की मासिक बैठक डिप्लोमा इंजीनियर संगवन पीडब्ल्यूडी वाराणसी में जिलाध्यक्ष एसडी मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन जिला मंत्री अवध नारायण पांडे द्वारा किया गया। बैठक में माह दिसंबर में जन्मे सभी सदस्यों का उत्साहपूर्वक जन्मदिन मनाया गया व संस्था का वर्ष 2024 के कैलेंडर का वितरण किया गया। बैठक में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार पेंशनरों की एक लंबे अरसे से चली आ रही प्रमुख मांगों जैसे 65 वर्ष, 70 वर्ष तथा 75 वर्ष की आयु प्राप्त पेंशनर्स को क्रमशः 5%, 10% तथा 15% पेंशन वृद्धि राशिकरण धनराशि की बहाली 15 वर्ष के बजाय 12 वर्ष में होने, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ अनुमय कराते हुए पेंशन का निर्धारण करने, दिनांक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक पेश किए गए महंगाई राहत का भुगतान करने, रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को बहाल करने एवं पुरानी पेंशन बहाली करने पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिला स्तर पर पेंशनरों की समस्याओं को सुनने वाला कोई अधिकारी नामित नहीं है, कैशलेस इलाज की सुविधा न मिलने व चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का समय से भुगतान न होने से पेंशनर्स परेशान है। बैठक को समाशुल आरूफिन, राजनाथ सिंह, आरपी मिश्र, डॉक्टर परमहंस मिश्र, हीरालाल प्रसाद, डॉक्टर सुधाकर मिश्र, वीएन त्रिपाठी, आरएस पटेल एवं रामचंद्र गुप्ता आदि ने संबोधित किया। एक तो कैशलेस जो कार्ड नहीं बन रहा है हमारे सदस्यों का, और उस कैशलेस कार्ड पे जो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, जो इनलिस्टेड हॉस्पिटल है बनारस के, वहाँ के कुछ हॉस्पिटल तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ कहते हैं कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे, आप पैसा जमा करो तो करेंगे। इस संदर्भ में भी बात किए हम लोग, हमारे जो मेडिकल रिइंबर्समेंट है उस पर इनकम टैक्स कट रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग ने कहा कि भाई इनकम टैक्स उस पर नहीं करना कटना चाहिए, वो कोई आमदनी का चीज़ नहीं, जो हम खर्चा करते हैं वो पैसा हमको मिलता हुआ है। और तीसरी चीज़ ये थी, हमारा प्रांतीय अधिवेशन होना है, उसके संदर्भ में हम लोगों ने बैठक आयोजित की थी। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस आउटरीच प्रकोष्ठ द्वारा बेरोजगार युवा पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस आउटरीच प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आदिल के द्वारा बेरोजगार युवा पर रविवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें युवा बेरोजगार हैं उसकी चिंता जताई गई। प्रेस वार्ता में मोहम्मद आदिल ने कहा कि पूरे देश में युवा नौकरी के लिए भटक रहा है, फॉर्म भरने में उनके और परिवार के हजारों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, अधिक छात्र गरीबी रेखा के नीचे हैं और छात्र जब सेंटर पर पहुंचता है तो परीक्षा रद्द हो जाती है, परीक्षा देने के बाद पेपर लीक हो जाता है और बेरोजगार युवा नौकरी की उम्र पार होने की वजह से युवा हताश व निराश है, जिस वजह से बेरोजगार युवा सट्टे, नशा के साथ और अनैतिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि देश में चिंता का विषय है। आप सभी लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हों, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी न्याय चाहते हैं बेरोजगार के साथ, युवाओं के साथ, हर एक समस्या के साथ न्याय चाहते हैं, जो आज देश में बहुत बड़ी समस्या जिसको अनदेखा किया जा रहा है। तो मैं एकदम निवेदन करूँगा कि इस यात्रा जो वाराणसी में 16 तारीख को चंदौली में इंटर्न कर रही है उत्तर प्रदेश में, और वाराणसी में 17 तारीख को, और बनारस के काशी वासियों से भी विशेष निवेदन मेरा है कि उस यात्रा में शामिल हो और न्याय की तरफ बढ़े, जो कि देश मतलब एकदम धकेला जा रहा है दूसरे तरफ, और जो नर्सरी युवाओं की है वो नशे और सट्टे में लिप्त है, इस वजह से एक चिंता बहुत बड़ी है। ऐसा थी बल छायाचित्र प्रदर्शनी का दशाश्वमेध घाट पर आयोजन हुआ, जिसमें शहर के फोटो जर्नलिस्ट ने सहभागिता की। काशी पत्रकार संघ एवं वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से आयोजित होने वाली एस अतिबल की स्मृति में फोटो प्रदर्शनी का आयोजन रविवार को दशाश्वमेध घाट पर किया गया। इस प्रदर्शनी में बनारस से जुड़े करीब 2 दर्जन फोटो जर्नलिस्ट ने सहभागिता की।
प्रदर्शनी में बनारस घूमने आए श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के बीच फोटो जर्नलिस्ट की ओर से खींची गई खूबसूरत तस्वीर को देखने की होड़ लगी रही। प्रदर्शनी में लगी तस्वीर को चयनित करने का कार्य पर्यटकों के जरिए हुआ, जिसमें सबसे अच्छी फोटो के लिए चंदन रूपानी को प्रथम और द्वितीय पुरस्कार एवं नरेंद्र यादव को तृतीय पुरस्कार की घोषणा की गई। इसके अलावा प्रदीप तिवारी स्मृति पुरस्कार के लिए उज्जवल गुप्ता, मंसूर आलम स्मृति पुरस्कार के लिए रोहित सोनकर, विजय सिंह स्मृति पुरस्कार के लिए चंदन रूपानी के नाम की घोषणा की गई। इसके साथ इस वर्ष के छाया रत्न सम्मान के लिए ओपी राय चौधरी को चयनित किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन समाज सेवी नरसिंह अग्रवाल ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अत्रि भारद्वाज, महामंत्री अखिलेश मिश्र, कोषाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी, वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र, मंत्री विनय शंकर सिंह, संयोजक संजय गुप्ता, संयुक्त मंत्री देव कुमार केसरी, काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ तिवारी, शिवम गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे। हम लोगों को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, ये प्रतियोगिता देख के बहुत ही खुशी हुई। हम पत्रकारों के संग इसलिए जुड़ना चाहते थे कि हम लोग भी देखें भाई क्या होता है। हम लोगों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही मतलब सहानुभूति हुई, कितनी बढ़िया चीज़ें हम लोगों ने कभी देखी नहीं, आज पहली बार आने का मौका मिला। तीन दिवसीय मार्कंडेय महादेव महोत्सव का शुभारंभ हुआ, जिसमें हंसराज रघुवंशी ने अपने भक्ति गीतों से भक्तों को भाव विभोर कर दिया। श्री राम शिवोत्सव श्री मार्कंडेय महादेव महोत्सव का शुभारंभ शनिवार को हटिया मठ के महामंडलेश्वर पूज्य भवनी नंदन यति महाराज, एस राज लिंगम जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, क्षेत्रीय संस्कृति अधिकारी डॉक्टर सुभाष चंद यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। आदि गंगा गोमती और माँ गंगा के संगम पर मार्कंडेय महादेव धाम में माँ गंगा के पवन तट पर भक्ति की गंगा भी प्रवाहित हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ श्री राम जन्म योगी के अखंड शंखनाद से हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर रंजना उपाध्याय ने कथक नृत्य के माध्यम से शिव स्तुति की प्रस्तुति की। राघवेंद्र शर्मा ने शिव भजन से आक्षांदित किया। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति भारत के प्रख्यात गायक हंसराज रघुवंशी ने महादेव के भजनों की रसवर्षा से किया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, शिव कैलाश के वासी हैं जैसे प्रसिद्ध भजनों से श्रोताओं को सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे के सौजन्य से सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार एवं जिला प्रशासन वाराणसी के सहयोग से किया जा रहा है। वाराणसी और चंदौली के पदाधिकारियों के साथ भारी संख्या में लोगों ने महोत्सव का आनंद उठाया। अतिथियों का स्वागत जिलाधिकारी वाराणसी एवं क्षेत्रीय संस्कृति अधिकारी वाराणसी क्षेत्र तथा संचालन आशुतोष पांडे ने किया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, भारी उद्योग मंत्री, भारत सरकार ने भारतीय संस्कृति के उत्थान में ऐसे महोत्सव के आयोजन की महत्ता पर बल दिया। संस्कृति की रक्षा से ही सबल राष्ट्र का निर्माण संभव है। जनता के बीच एक लोक मंगल शासन का कर्तव्य है, समाज का कर्तव्य होता है। इस समाज को जन मन रंजन और समाज को प्रेरित करने वाले भजन संस्कारों और विभिन्न माध्यमों से जनता के अंदर एक अच्छा वातावरण निर्माण करना और लोक मंगल का एक वातावरण बनाना, उस उद्देश्य से यह कार्यक्रम। और अब मुझे प्रसन्नता है कि दोनों सरकारों ने प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को करने का निर्णय किया। मार्कंडेय महोत्सव दूसरी बार पहले 2018 में हुआ था। ये 3 दिन का जो महोत्सव है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ये महोत्सव का आयोजन माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो महेंद्रनाथ पांडे जी के जो संसदीय क्षेत्र में हो रहे हैं। ये 3 दिन में अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग कलाकार इसमें आके प्रदर्शन करेंगे। जैसे आज हंसराज जी का प्रदर्शन थी और इसी तरह अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम को। देखिए, इसमें पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देना और जो कलाकार है, जो हमारे सांस्कृतिक कलाएं हैं उसको बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और लोग अपने संस्कृति के बारे में जानेंगे और जो कलाकारों को भी एक मंच मिलेगा। और यहाँ वक्त उछला है, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सीटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
स्वामी हरसेवानंद स्कूल के गरबाघाट शाखा में 12वीं के बच्चों का विदाई समारोह संपन्न हुआ। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गरबाघाट रमना वाराणसी में रविवार को 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित हुआ। विज्ञान एवं कॉमर्स के 129 छात्रों को स्कूल के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य ने स्मृति चिन्ह देकर विदा किया। इससे पहले कक्षा 11 के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर के विदाई समारोह का भव्य आयोजन किया। रोरी और चंदन को माथे पर तिलक लगाकर सभी सीनियर्स का अभिनंदन किया। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने दीप प्रज्वलित कर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विधिवत उद्घाटन किया। तत्पश्चात शुरू हुआ सिलसिला सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, एक से बढ़कर एक नृत्य गीत की प्रस्तुति हुई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। शुभकामना संदेश वरिष्ठ शिक्षक अतेंद्र कुमार सिंह ने तथा धन्यवाद ज्ञापन दृष्टि ने दिया। इस अवसर पर कक्षा 11 के छात्रों ने सक्रिय साझेदारी निभाई तथा कक्षा 12 के छात्रों में मिस्टर ऑलराउंडर प्रिंसी, मोस्ट डिसिप्लिन पूनम मौर्य व गुरुचरण स्टोरियस साक्षी, इनोसेंट गर्ल रोशनी व इनोसेंट बॉय अश्वनी कुमार, मिस्टर फेयरवेल ओम प्रकाश फेयरवेल सुप्रिया रही। कार्यक्रम का संचालन शैलजा व पूर्णिमा ने संयुक्त रूप से किया। परीक्षा के डर को कम करने, विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं पारंपरिक रूप में से 12वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करने हेतु शुभकामना व्यक्त करने के लिए फेयरवेल का कार्यक्रम आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल गड़वाघाट में आयोजित किया जा रहा है। मैं सभी के उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मोहिनी देवी रूंगटा शिशु मंदिर का 34वां वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रीमती मोहिनी देवी रूंगटा शिशु मंदिर का 34वां वार्षिकोत्सव भाऊराज देवरस सभागार में रंगारंग कार्यक्रम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश स्तुति तथा समापन वंदे मातरम से हुआ। विद्यालय के आचार्य बंधु भगनी के सहयोग से शिशुओं द्वारा गणेश वंदना, होली गीत, मानस प्रसंग, भोजपुरी गीत तथा अंग्रेजी नाटक आदि आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के व्यवस्थापक राजेश कुमार विश्वकर्मा के द्वारा विद्यालय का वार्षिक नृत्य प्रस्तुत किया गया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश कुमार ने किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर आद्या प्रसाद पांडे, पूर्व कुलपति मणिपुर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उमेश सिंह, संयुक्त आयुक्त उद्योग वाराणसी परिक्षेत्र एवं विशिष्ट अतिथि अरुण अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर रुद्रा ग्रुप ने कार्यक्रम की सराहना की तथा शिशुओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इसमें शिक्षा के साथ संस्कार की भी व्यवस्था है बच्चों का, और साथ ही साथ उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने का काम किया जाता है तथा हम लोग ऐसे बालकों का सृजन करते हैं इस कार्यक्रमों के माध्यम से जैसे वह अपने परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए अनुकूल नागरिक का सृजन हो सके तथा इस समय जो समाज में या अपने देश में वर्तमान चुनौतियां चल रही हैं उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक का सामना भी कर सके। दुर्गा कुंड रोड स्थित त्रिदेव मंदिर का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। दुर्गा कुंड रोड स्थित त्रिदेव मंदिर का रविवार को स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान बेटी बचाओ का संदेश भी गूंजा। त्रिदेव मंदिर सेवक परिवार की ओर से वस्त्राभूषण व फूलों से देव विग्रहों की झांकी सजाई गई। फूलों व विद्युत झालरों से मंदिर परिसर महमह जगमग करता रहा। भक्तों ने रानी सती, सलासर, हनुमान व खाटू श्याम प्रभु को शीश नवाया, विधि विधान से पूजन अनुष्ठान किया। समाज की महिलाएं किरण सर्राफ, सरिता सर्राफ, उषा केजरीवाल ने 501 देवी स्वरूप में कन्याओं का सत्कार कर सदस्यों ने चरण पखारे।
आरती उतारी और भोजन ग्रहण कराने के साथ दक्षिणा, बैग, टिफिन बॉक्स, पेंसिल, कॉपी, रबड़, पानी का बॉटल देकर विदाई दी। दोपहर में पायल अग्रवाल के नेतृत्व में 201 महिलाओं ने सुर में दादी का मंगल पाठ किया। शाम को सुरगंगा प्रवाहमान हुई और कोलकाता के श्याम अग्रवाल, मोनू सुल्तानिया एवं मशहूर भजन गायिका अंजलि त्रिवेदी समेत कलाकारों ने भजनों से मंदिर परिसर गूंज उठा। श्री रानी सती श्याम भक्त मंडल के अनूप सर्राफ व अनिल भावसिका के स्वरों में गणेश वंदना से भजन संध्या का शुभारंभ किया गया। वहीं 56 प्रकार के पकवान, मिष्ठान, भोग अर्पित किए गए। 16वां स्थापना दिवस महोत्सव मनाया जा रहा है त्रिदेव मंदिर के माध्यम से, और आज इस आयोजन में सर्वप्रथम सुबह 6 बजे से रुद्राभिषेक हुआ 11 ब्राह्मणों द्वारा। उसके बाद अभी 551 कन्या पूजन का हमारा जो लक्ष्य था उसको हमने भेजते हुए करीब 650 कन्याएं आईं, जिनको प्रसाद दिया गया, नगदी दिया गया और पाठन सामग्री दिया गया, स्कूल बैग दिया गया, बिस्कुट, लेमन जूस, टॉफी देके विदा किया गया। अब इसके उपरांत हमारा 12 बजे से मंगल पाठ का महोत्सव प्रारंभ हो चुका है, जिसमें 501 महिलाएँ सम्मिलित होंगी। जो मंगल पाठ 12 बजे से 3 बजे तक चलेगा, 3 बजे के बाद हिंदुस्तान के लब्ध प्रतिष्ठित भजन गायकों द्वारा भजन की प्रस्तुति होगी, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से अंजलि द्विवेदी जी सायंकाल 8 से 10 तक प्रभु दरबार में अपनी वंदना प्रस्तुत करेंगे। सुबह बनारस मंच पर काशी के संस्कृति के तहत दुर्गेश यादव द्वारा भजनों की प्रस्तुति की गई। काशी रस के रूप में काशी के संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं भावी पीढ़ी को सशक्त मंच प्रदान करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त वाराणसी अशोक मोथा जैन की परिकल्पना को सुबह बनारस के मंच पर साकार करने का अद्भुत प्रयास किया जा रहा है। रविवार को दुर्गेश यादव ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पर आधारित भजनों को गाकर माँ गंगा के पावन तट पर उपस्थित समस्त दर्शकगण को शिवमय के साथ साथ राममय से आनंदित किया। संगत कलाकार के रूप में तबला पर अमित कुमार यादव, पैड पर रंजीत पांडे, कीबोर्ड पर धनंजय भैरव उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का संयोजन पंडित अंशुमान महाराज का रहा। सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र सुरेश कुमार मंजू ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। पंडित काशीनाथ खांडेकर मेमोरियल ट्रस्ट और काशी तत्व सभा द्वारा संगीत सभा का आयोजन हुआ। पंडित काशीनाथ खांडेकर मेमोरियल ट्रस्ट और काशी तत्व सभा द्वारा संगीत सभा का आयोजन शनिवार को एनी बेसेंट हॉल थियोसोफिकल सोसाइटी कमक्षा में आयोजित हुआ। स्वर्गीय पंडित काशीनाथ खांडेकर जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। प्रथम कार्यक्रम चैताली शेवलीकर मोरडे का वायलिन वादन हुआ। राग विहक में अलाप जोड़ झाले के बाद 3 ताल में गत की बेहतरीन प्रस्तुति दी। तबले पर बनारस के प्रसिद्ध तबला वादक पंडित कुबेरनाथ मिश्र ने कुशल संगत किया। द्वितीय कार्यक्रम वरिष्ठ तबला वादक और स्वर्गीय उस्ताद अहमद जान थिरकवी जी के योग्य शिष्य पंडित विनोद पाठक का स्वतंत्र तबला वादन रहा। इन्होंने 3 ताल में पेश करा कायदा, चलन, टुकड़ा, रेला, बंदिशों का विभिन्न लयकारियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके साथ तबले पर विविध पाठक ने भी कुशल साथ देते हुए कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। हारमोनियम पर ललित सिसोदिया ने विवेकपूर्ण संगत किया। इस अवसर पर डॉक्टर कुमुट रंजन अध्यक्ष, काशी तत्व सभा डॉक्टर अन्नपूर्णा, विनोद लेले, छाया सिंह सहित तमाम शिष्यगण और संगीत रसिक जन सभागार में उपस्थित रहे।
चमेली देवी मेमोरियल बैडमिंटन अकादमी के सिंथेटिक कोर्ट का उद्घाटन रविवार को कोदोपुर रामनगर में काशीराज परिवार के वरद नारायण सिंह के करकमलों द्वारा हुआ। चमेली देवी मेमोरियल बैडमिंटन एकेडमी कोदोपुर रामनगर वाराणसी का सिंथेटिक कोर्ट का उद्घाटन रविवार को काशीराज परिवार के वरद नारायण सिंह के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर अकादमी के सचिव डॉ. सुशील कुमार मिश्रा, अध्यक्ष श्याम कुमार केसरी, सचिव सीमा केसरी, अनिल सिंह, वरन राय, डॉ. उत्कर्ष केसरी, उद्योग केसरी, निधि केसरी, एकता केसरी उपस्थित रहे। बैडमिंटन कोच संतोष जायसवाल की अध्यक्षता में अंकित कश्यप, मसूद अहमद, सुरेंद्र मौर्य, आनंद गुप्ता, रोहित सिंह, अनुराग वर्मा, अभिनंदन मिश्रा, कृष्णकांत गौतम, विकास सोनकर, वीरेंद्र सिंह, अंकित सिंह, अभिषेक जायसवाल, बालिका वर्ग में अनामिका चौहान एवं अनूठी जायसवाल आदि समस्त खिलाड़ियों ने प्रथम बार सिंथेटिक कोर्ट में बैडमिंटन खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खेल के आकर्षण का केंद्र 4 वर्षीय अभिनंदन केसरी का रहा। धन्यवाद ज्ञापन देते हुए श्याम कुमार केसरी ने अकादमी के नामकरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अपने पूर्वजों को आने वाली भावी पीढ़ी सदैव याद करे और इस अकादमी के खिलाड़ी काशी नगरी के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बने एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत, नमस्कार। सच के साथ।